नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वारी रिन्यूएबल एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो देखा जाए तो बेसिकली 23,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 2,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो कंपनी लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। एक चीज को नोटिस करना, कंपनी का 52 वीक का लो था 157, और कंपनी का जो हाई है वो 2,270 के ऊपर चला गया। मतलब पिछले दिनों में अपर सर्किट है और आज के दिनों में देखिए और भी ज्यादा आपको तेजी देखने को मिला था। और बेसिकली कंपनी लगातार हाई इसीलिए करते चले जा रहे हैं क्योंकि कंपनी को सबसे पहले बिजनेस को समझ लीजिए। इस कंपनी का बिजनेस क्या है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस सेक्टर इतना तेजी से ग्रोथ क्यों कर रहा है। देखिए आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस देखने को मिलेगा कि कंपनी क्या कर रहा है। कंपनी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इट हैज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट एट इट्स प्लांट इन सूरत। मतलब सूरत में आप देख सकते हैं, गुजरात में एंड सूरत एंड गुजरात में कंपनी क्या किया, अलग अलग प्लांट बना के रखा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में, वो भी कितना 12 गीगावाट का, 12 गीगावाट के आसपास। एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी थिंकिंग रखकर चलने वाला कंपनी है। बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को नोटिस करेंगे तो कंपनी सोलर पैनल बनाने वाला कंपनी है। अभी सोलर पैनल बनाने वाला कंपनी का मतलब क्या है आप देख सकते हैं इस तरीके से। जो यहाँ पे देखिए ये जो पैनल बनाया जाता है जिसके माध्यम से सनलाइट इसके ऊपर पड़ने के बाद ही पावर जेनरेट किया जाता है तो उसको सोलर पैनल कहा जाता है। उस पैनल का ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और कंपनी के जो जो मतलब टारगेट है बहुत बड़ा है, और इंडिया के 650 WP जो इंडियन फास्टेस्ट जो प्रोडक्ट है, जो एलएम प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी कंपनी काम किया। साथ ही साथ कंपनी 1 गीगावाट का EPC प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, और कंपनी नंबर 1 बेस्ट ब्रांड है, और शायद इसी कारण के वजह से कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है क्योंकि अपकमिंग टाइम्स ऑब्वियसली ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर सिर्फ इंडिया नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहा है। तो बेसिकली इसी कारण के वजह से इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ा और शेयर में भी एक मैसिव जम देखने को मिला। कोई छोटा मोटा जम नहीं है। अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए एक साल में 1100% का रिटर्न दिया। सोचिए एक साल में 1100% का रिटर्न, मतलब कंपनी 11 टाइम्स आपको रिटर्न दे चुके हैं, 11 टाइम्स। तो लोग तो 11 टाइम्स 10 साल 20 साल में भी कमा नहीं पाते हैं। अगर सही कंपनी के ऊपर निवेश आपने कर दिया तो वो कंपनी आपको एक साल में ही इस तरीके से रिटर्न दे सकते हैं। तो इसको देखकर खुश होकर कल ही जाकर इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा। मैं इसीलिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ क्योंकि कंपनी आज लाइफ टाइम हाई नहीं, लगातार वो हाई करते चले जा रहे हैं, और सिचुएशन को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी के कुछ अपडेट दिखा देता हूँ। ऐसे कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, ऐसे नहीं कि कंपनी भागते चले जा रहे हैं, कंपनी का सेल्स भी बढ़ा। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो एक टाइम नेगेटिव में था वो आज पॉजिटिव में है, और बेस्ट तरीके से रिजल्ट भी देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहाँ पे देखेंगे कर्जा कंपनी के रिजर्व से बहुत कम है, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उस बेसिस में कंपनी के जो आधा एसेट है वो भी देखेंगे तो इन्वेस्टर 29% के आसपास, ट्रेड रिसीवेबल 159% के आसपास। मतलब जो कंपनी की इन्वेंटरी है वो 29 करोड़ के आसपास है, और टोटल ट्रेड रिसीव हुआ कंपनी को 160 करोड़ के आसपास, और इतने प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी के ऊपर एक मैसिव जम देखने को मिला है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली बुलिश के हिसाब से देखता हूँ। और हाँ, अभी फिलहाल के लिए मेरा मतलब कोई भी ट्रेड नहीं है क्योंकि मैं पहले भी जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड ऑब्वियसली एग्जिट हो चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी क्या कर रहा है, लगातार एक रेंज क्रिएट कर रहा है, उसके बाद हाई किया, थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर से हाई किए, फिर से बाउंस बैक किया। इसी तरीके से कंपनी लगातार हायर हाई करते करते आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के ऊपर फिर से मैं तब एंट्री लूंगा जब यहाँ से कंपनी एक बार रीबैक करेगा, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखाएगा, उसके बाद मैं कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लूंगा। क्योंकि इसी तरीके से सिचुएशन कंपनी के ऊपर बहुत बार बना, मतलब यहाँ से फिर से एक बार रिवर्स करेंगे, उसके बाद बाउंस बैक करने का वो कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, मैं सिर्फ यही दिखाने के लिए आपको वीडियो शेयर किया हूँ।
क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या किया जाए। देखिए कंपनी की जो ट्रेंड है वो बहुत लॉन्ग ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट लगातार गिरते चले जा रहे हैं प्रेशराइज होने के कारण, ग्लोबली मार्केट के प्रेशर के कारण। फिर भी देखिए इस कंपनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जब मार्केट गिर रहा है तब भी कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब जब मार्केट भागेंगे तो और भी ज्यादा भागने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए आरती इंडस्ट्रीज बेसिकली देखा जाए तो केमिकल सेक्टर के ऊपर और फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। अभी देखिए लास्ट 2 ईयर्स से केमिकल सेक्टर के हालत बिगड़ चुके हैं, तो केमिकल सेक्टर के ऊपर सेल्स डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले है। वो प्रेशराइज आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में इस बार ग्रोथ देखने को मिला, मगर लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स डाउन हो गया था। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद देखिए कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया था। अभी इस बार प्रॉफिट तो हुआ मगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी प्रॉफिट को बीट नहीं कर पाए। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि कंपनीज की जो Q4 का रिजल्ट आने वाले हैं तो क्या उस रिजल्ट में कंपनी अच्छा खासा काम करने वाले हैं, तो चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं सेल्स में पिछले साल की तुलना से कंपनी का सेल्स मुझे कम दिखा, मतलब कंपनी के एक्सपेंस भी कम मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 543 करोड़ से 434 करोड़ के आसपास देखने को मिला, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिले है, मतलब इस बार भी कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के जो बैलेंस शीट है यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के जो रिजर्व है उससे कंपनी का कर्जा जो है वो बहुत कम है, कंपनी के हाथ में फिक्स्ड एसेट भी बहुत शानदार है और खुद के बिजनेस के ऊपर कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले जा रहे हैं। जब कोई कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ उस पैटर्न के बेसिस में मैंने एंट्री लिया। पहले एक पैटर्न बना था यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और फाइनली टारगेट का अचीव किया। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए फिर से एक पैटर्न क्रिएट हुआ कप विद हैंडल पैटर्न का, तो पहले क्या बना एक लंबा सा एक कप बना, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली इस लेवल को क्या किया ब्रेकआउट किए और वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गए तो जो रेंज लेकर मैं चला हूँ जो टारगेट में लेकर चला हूँ 34% का, उस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा जो रेंज निकल कर रहा है करीबन 910 रुपीज के आसपास। तो देखिए मैं कोई आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का ट्रेड है और इस टारगेट अचीव होने का चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि पैटर्न्स को अगर देखेंगे तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे कंपनी का टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस लेवल तक वो जाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके से यू पैटर्न बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे करके ऊपर ही चले जाते हैं। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या काम किया है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है 5 पैसे कैपिटल। देखिए पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि निर्मल जैन जी जो है वो 5 पैसे कैपिटल के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखे है। अब इसका जो प्रोमोटर है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि इसका प्रोमोटर के बारे में बात करूँ आप खुद ही देख सकते हैं निर्मल जैन, उनके पास 19% का होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर है। और बेसिकली इस निर्मल जैन जी देखा जाए तो IIFL जो कंपनी है IIFL सिक्योरिटीज से लेकर IIFL जो ब्रोकिंग कंपनी है मतलब IIFL जो फाइनेंस कंपनी है, तो दोनों के प्रोमोटर इसी व्यक्ति है। और साथ ही साथ एक चीज़ को नोटिस करना कि इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन जैसे FSDS पब्लिक के बारे में बात करते हैं, FIS के पास तगड़ा होल्डिंग है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडिया में पर कैपिटल इनकम बनने के कारण लोगों का इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ेगा, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे डायरेक्टली इक्विटीज में। तो डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए वो किसी ना किसी ब्रोकिंग के माध्यम से उसको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो उसमें से देखा जाए तो 5 पैसा कैपिटल एक ऐसे कंपनी है, आज वो स्मॉल कैप टाइप है और फ्यूचर में इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 1700 करोड़ के आसपास है, मतलब इसमें हाई पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करने वाला हूँ, इस कंपनी के ऊपर जरूर मैं लॉन्ग जर्नी के लिए जरूर सोचने वाला हूँ। तो बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चल रहा हूँ। बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो मैं बता दूँ, कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाकर इस बार हाइस्ट सेल्स दिखाया, एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी इस बार हाइस्ट प्रॉफिट भी दिखाया। ऐसे नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट एकदम बेकार हो गया, मान लेते हो कंपनी पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए मगर पिछले सालों को तो बीट किया,
तो अच्छी बात यह है कि कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखना है कि कंपनी के अपकमिंग जो रिजल्ट है वो किस तरीके से होने वाले हैं। देखिए अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाले हैं वहाँ पे भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव देखने को मिला पिछले सालों की कंपेरिजन में। तो बेसिकली कंपनी का जो 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 ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग है। इस ग्रोथ के कारण कंपनी में अच्छा खासा एक पोटेंशियल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। और इस कंपनी के ऊपर मेरा एक ट्रेड भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ट्रेड है कंपनी के ऊपर कफ विद हैंडल बटन का। तो फाइनली एक कप बना और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ और ब्रेकआउट करने के बाद देखिए टारगेट तक गया था। टारगेट होने से पहले ही करेक्शन हो गया तो मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे टारगेट नहीं मिला। तो बेसिकली मुझे टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है इस कंपनी के ऊपर। आज मार्केट वोलेटिलिटी के ऊपर है, मगर एक चीज को आपको अपडेट दूं, कंपनी के ऊपर जो टेल लाइन बना था, यहाँ पे जो रेंज बना था, उस रेंज के बेसिस में मैं अगर बात करूं तो कंपनी फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट करने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो टाइम लग सकता है, अगर टाइम लगे कितना टाइम लगेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे जो टारगेट मैं लेकर चलूंगा वो 50% के आसपास है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जेएम बोरियस लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है 1300 करोड़ के आसपास। कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस करने के बाद फिर से 1:4 का बोनस देने वाला है। कंपनी हर साल ऑलमोस्ट कंपनी चार चार बार इस बार लेकर चार चार बार कंपनी बोनस देने वाला है और हर बार कंपनी 1:4 का ही बोनस दिया है। तो इस बार भी बोनस पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। और ये सारे वीडियोस जो आपके साथ में शेयर किया हूँ वो एक एडुकेशन पर्पस में था, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है किसी कंपनीज के ऊपर, किसी भी कंपनीज के ऊपर, आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर सीखना है तो चैनल के ऊपर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।